और मैं हूं आपके साथ शहरीन। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए और गांव में छोटी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए एसडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार और एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने सियाना तहसील परिसर में एसडीएम सियाना सुभाष सिंह और सीओ सियाना अलका सिंह, थाना सियाना, थाना खानपुर, थाना बीबी नगर, थाना नरसेना के प्रभारियों, बीट सिपाहियों और चौकीदारों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि अभी पिछले सप्ताह ही बुलंदशहर के थाना गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव में 4 लोगों की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा गांव में अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया गया था, अत्यधिक शराब का सेवन ना करें और कहीं पर भी अवैध शराब की बिक्री होती है तो उसकी सूचना तुरंत थाने पर दें। एसडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार ने कहा कि कहीं पर भी अवैध शराब की बिक्री और कोई भी छोटी बड़ी घटना होने की सूचना मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें। सभी चौकीदार अपना मोबाइल, अपने पास थाने प्रभारी का मोबाइल नंबर अवश्य रखें। सियाना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, सर क्या मीटिंग है और किस उद्देश्य से मीटिंग की गई है? और यहाँ के सीएम सीओ आबकारी विभाग के अधिकारी, हमारा जो थाना के थाना अध्यक्षों के साथ एक बैठक की गई, हम लोगों ने गाँव के जो चौकीदारों को भी बुलाया। मीटिंग के उद्देश्य यह था कि गांव में जो छोटी मोटी जो भी घटनाएं हैं उसकी सूचना हमें समय से मिले, प्रशासन को समय से मिले और ये चौकीदार इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो गाँव में रहता है, इसलिए नियुक्त है। उस समय से सूचना यदि प्रशासन को उपलब्ध कराता रहे तो हम लोग हर उम्र की छोटी घटनाओं समय रहते उस पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और उस घटना को बड़ी घटना नहीं बनने से रोकेंगे। यह मुख्य उद्देश्य था। इसमें कई गांव के विवाद हैं या गांव में जो बराबर बत्ती है ये भी इसका सर। नरसेना थाना क्षेत्र में अवैध शराब की शिकायतें बार बार आ रही है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जहां भी शिकायतें आएंगी हम उसका इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए लोगों को सभी नंबर शेयर किए, हमने सूचनाओं को देने के 3 स्तर बनाए लोगों को, एक एक ब्लॉक लेवल पर जिसके लिए एसएचओ और जो है आबकारी इंस्पेक्टर, तहसील लेवल पर डीएम होती है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय का जो बैंक कार्यालय है, हम लोग इस लेवल पर सूचना दे सकते हैं। हम लोगों ने नंबर शेयर किया और उनसे अपेक्षा करिए कि ऐसी कोई भी बात होती है तो तत्काल किसी भी स्तर पर संज्ञान में लाए ताकि हम लोग उस पर जो है समय रहते। सर नरसेना थाना क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने भी अवैध शराब के खिलाफ शिकायत किया परंतु पुलिस उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, अब तक कोई रोक नहीं हो पाई सर। जो भी शिकायत होगी निश्चित तौर पर जाँच करा के प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।